आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन या लैपटॉप की मदद से 11 फोटोग्राफ जो कि 11 क्वालिटी इंडिकेटर्स आपने स्कूल लॉगिन में जाके प्रबंध पोर्टल पे अपलोड करने हैं, कैसे आप उन्हें कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना दे दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मॉड्यूल लॉन्च किया गया है जिसके जरिए सभी गवर्नमेंट, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी है, सभी को जहां पे 11 फोटोग्राफ जो कि क्वालिटी इंडिकेटर होंगे आपने स्कूल लॉगिन में जाके उनको अपलोड करना है। अब इसका सारा प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी स्कूल्स के लिए 11 इंडिकेटर नहीं होने वाले हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल है उसमें 11 इंडिकेटर नहीं होंगे, तो आप उन सबको अपने सिस्टम में कैसे अपलोड करें, किसी ब्राउजर को ओपन करके उसकी सर्च बार में आपने सिंपली टाइप कर देना है प्रबंध। जैसे आप प्रबंध टाइप करेंगे आपके सामने जो पहला ही लिंक आएगा तो जहां पे आप देख सकते हैं smagrashiksha.in, आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी समग्र शिक्षा अभियान की, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर जहाँ पे आपको एक लॉगिन सेक्शन मिलेगी, तो सबसे पहले आपने इस लॉगिन सेक्शन में आ जाना है। तो जहाँ पे सिंपल आपको क्या करना होगा, लॉगिन सेक्शन में जहाँ पे आपने अपने स्कूल का 11 डिजिट का UDISE कोड एंटर करना है, जहाँ पे पासवर्ड, अब फर्स्ट टाइम आप अपने स्कूल की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका UDISE कोड ही आपका पासवर्ड होगा, दिया गया कैप्चा आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए जहाँ पे मैं अपने स्कूल का UDISE कोड एंटर कर लेता हूँ, तो आपने भी इसी तरह से अपने स्कूल का UDISE कोड जहाँ पे एंटर करना है और इसी कोड को आप फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका जो पासवर्ड होगा वो भी आपका UDISE कोड ही रहेगा। इसके बाद इस कैप्चा को हम जहाँ पे टाइप कर लेते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारा प्रोसेस हो रहा है कि आपने कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस करना है। दिया गया कैप्चा भी हमने जहाँ पे एंटर कर लिया है, इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया, हमारे सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपको जहाँ पे क्या करना होगा, अपने पासवर्ड को फिर से रीसेट करना होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की टैब आपके सामने ओपन होगी, तो नंबर वन जहाँ पे क्या रहने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर नेम, तो यूजर नेम की जगह आपने अपने स्कूल का जहाँ पे 11 डिजिट का UDISE कोड ही एंटर करना है। अब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड क्या होना चाहिए, आप अपना सिंपल पासवर्ड रख सकते हैं जिसमें कैपिटल लेटर रख सकते हैं, उसके बाद कोई स्पेशल करेक्टर और नंबर रख सकते हैं, और जो पासवर्ड आप सेट करेंगे उसी को कन्फर्म पासवर्ड में आपने एंटर करना है और उस पासवर्ड को आपने नोट कर लेना है जहाँ पे आप अपनी अपने स्कूल की ईमेल आईडी को एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना। जहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू यूजर नेम की जगह हमने अपने स्कूल का UDISE कोड ही रखा है, पासवर्ड की जगह हमने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है, कंफर्म पासवर्ड की जगह उसी पासवर्ड को टाइप कर दिया है, अपने स्कूल की ईमेल आईडी को एंटर कर लिया है, मोबाइल नंबर की जगह हमने मोबाइल नंबर को एंटर कर लिया है। अब आपने जहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे आप फिर से होम पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं हम फिर से होम पेज पे आ चुके हैं। अब आपने फिर से लॉगिन सेक्शन में जाना है। अब आप लॉगिन सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे फिर से आपने जहाँ पे अपने स्कूल का UDISE कोड जो कि 11 डिजिट का UDISE कोड होगा उसे आपने एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपने जहाँ पे सेट किया है उस पासवर्ड को आपने जहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद दिया गया कैप्चा आपने जहाँ पे एंटर करके आपने लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूं। करेंगे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं समग्र शिक्षा अभियान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब जहाँ से हमें अपने 11 फोटोग्राफ जो कि क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं उन्हें जहाँ पे अपलोड करना है, उसके लिए जहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं होम, प्रोग्रेस, रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट अस, अपडेट प्रोफाइल, ट्रेनिंग वीडियोस, जहाँ पे आ जाएगा फोटो अपलोड, तो आपने फोटो अपलोड वाली सेक्शन को जहाँ पे ओपन कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप कंपोनेंट वाइज जहाँ पे देख सकते हैं कि आपके स्कूल का कौन सा काम जहाँ पे अप्रूव हुआ है, कौन सा बजट में रखा गया है, सारी डिटेल आप जहाँ पे देख सकते हैं जो कि हम बाद किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे आप देखेंगे सिंपली आपने फोटो अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फोटोज़ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर वन जहाँ पे आप देखेंगे स्टेट का नाम आ जाएगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, हमारे ब्लॉक का नाम आ जाएगा और हमारे स्कूल का नाम भी जहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जहाँ पे जो 11 कैटेगरीज रखी गई हैं जहाँ पे हमें 1 by 1 अपने स्कूल के फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपने पहले से ही फोटोग्राफ क्लिक करके रख लेने हैं और उनका साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस अगर उनका साइज़ 100 KB से ज़्यादा है सिस्टम में ऑटोमेटिक वो 100 KB के हो जाएंगे। नंबर वन लाइब्रेरी, तो इसी तरह अगर आपके स्कूल में ICT लैब नहीं है तो आपने इस कंपोनेंट को छोड़ देना है, अगर आपका प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल है। इन केस अगर आपका स्कूल हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी है तो सारे के सारे 11 इंडिकेटर्स के फोटोग्राफ्स आपने अपलोड करने हैं। आपने कंपोनेंट वाइज हर एक फोटोग्राफ को जहां पे अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैंने इन सभी के फोटोग्राफ्स पहले से ही क्लिक करके रखे हुए हैं। मैं फाइल्स पे क्लिक कर देता हूं, जहां से फाइल्स में आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, गैलरी को ओपन कर सकते हैं, जहां पे भी उसकी लोकेशन है
आपने फोटो को सेव करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं जहाँ से गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, तो जहाँ पे मैंने फोल्डर वाइज सारे फोल्डर्स रखे हुए हैं, जितने 11 फोल्डर्स हैं उनको जहाँ पे रखा, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लाइब्रेरी का फोटो क्लिक करके रखा हुआ था, जहाँ से हम इस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपने इसे ओपन कर देना है, ओपन करने के बाद जहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो लाइब्रेरी वाली जो भी फोटोग्राफ थी वो जहाँ पे इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आप इस पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी की जो हमारी फोटो है वो जहाँ पे अपलोड हो चुकी है और एक पिक्चर जहाँ पे शो हो रही है हमारे प्रोफाइल के साथ की हमने जहाँ पे 11 इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर की फोटोग्राफ जहाँ पे अपलोड कर दी है। सिमिलरली आपने सभी इंडिकेटर्स की जहाँ पे फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है। अगर जो चीज़ आपके स्कूल में एप्लीकेबल नहीं होती है आपने उस इंडिकेटर उस कंपोनेंट को छोड़ देना है, बाकी जो भी कंपोनेंट जैसे कि बॉयज़ टॉयलेट, फ्री टेक्स्ट बुक, जो भी चीज़ें हैं उनके फोटोग्राफ्स आपने जहाँ पे अपलोड करने हैं, आपने इस चीज़ को जहाँ पे इंश्योर करना है, जहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि सभी जितने भी इंडिकेटर्स के आप फोटोग्राफ्स जहाँ पे अपलोड करोगे सभी में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बच्चों की फोटोग्राफ्स होने चाहिए। एक चीज़ को छोड़कर जहाँ पे टॉयलेट के फोटोग्राफ को छोड़कर बाकी हर एक फोटोग्राफ में आपके स्कूल के बच्चे होने चाहिए, चाहे लाइब्रेरी की बात कर लें, ICT लैब की बात कर लें, स्पोर्ट इक्विपमेंट, बच्चे खेलते हुए उनका फोटोग्राफ होना चाहिए। इसी तरह से आपने गर्ल्स टॉयलेट और बॉय टॉयलेट में उनके बिल्डिंग के फोटोग्राफी क्लिक करने हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट वाइज हमने हर एक कंपोनेंट की जहाँ पे जो पिक है वो जहाँ पे मैंने अपडेट कर दी है और उसके बाद सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आपकी विंडो पे एक मैसेज आ जाएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 11 पिक्स जो कि हमने जहाँ पे अपडेट कर दी हैं। इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ सभी 11 के 11 इंडिकेटर्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में 11 इंडिकेटर पूरे नहीं है तो जितने भी इंडिकेटर हैं आप उनके फोटोग्राफ क्लिक करके जहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपके मन में कोई भी क्वायरी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।